हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रेशमा कारमान। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग तो सब अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आज स्पेशल क्या है बोले तो, आज स्पेशल पूरा व्लॉग हिंदी में रहेगा कहते, पूरा व्लॉग एक हिंदी में करेंगे बोल के हिंदी में शुरू कर दी मैं। क्या है और एक स्पेशल आज क्या है बोले तो, आज भाजी के पास जा रही हूँ। आज क्या है, संडे है, आज संडे के दिन मैं बाजी करने जा रही हूँ। ऑलरेडी अरबा सामान वहाँ पे है, अभी मैं अम्मी जा रही यहाँ से। तो आज संडे है, संडे सुबह 10 बजे मैं यहाँ से निकलती हूँ। और मैं आज रोज़ा नहीं हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं रोज़ा आज नहीं रही। अम्मी भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ रोज़ा। तो हम लोग वहाँ जा कर नाश्ता करेंगे बोल के सोच लिए, मैं अम्मी दोनों आज बाजी के पास जा रही। एक महीने के करीब हो गया, शायद एक महीना हो रहा होगा मैं जाके आके वहाँ पे। रमजान में बहुत बहुत उन लोग मिस कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग भी उन लोग भी वहाँ पे मिस कर रहे थे। कई बोल तो हम लोग सब जने एक साथ मिल के रहते थे, अभी भी मिल के है, लेकिन एक घर में रहने की बात अलग रहती ना। तो एक घर में रहे तो हम लोग सब जने काम पूरा बांट लेके अच्छे से काम कर लेते थे। बहुत बहुत घिच बिच रहता था रमजान बोल तो, हमारे घर में दिखता था। जो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा, लेकिन साथ में रह सो बात अलग रहती। सो आज मैं जा रही हूँ, फिर हम लोग सब जने साथ में रहेंगे, इफ्तारी करेंगे, फिर मैं कल शाम तक वहाँ पे रहूँगी। तो कल शाम तक अपन क्या क्या कर रहे हैं वो सब आपको बताएंगे। तो चलो जाएंगे। सलाम अलैकुम। यस हीरा, सलाम अलैकुम प्रिंस यूसुफ। तुम्हारा कौन करा है, हेयर स्टाइल कौन करा है? क्या बताओ, क्या है एन लिख लिया यहाँ पे? री री कहे को एबीसीडी भूल गया वैसे। हाँ, एबीसीडी भूल गए। हाँ एबीसीडी भूल गए का तो इसलिए उनके हेयर स्टाइल था, उसका इन्फॉर्मेशन करा रही है। कौन बच्चा है तुम्हें? चाहे आते हमारे तबस हूँ, नाश्ता करते हैं। अच्छा अच्छा नाश्ता, बिरयानी खिला दिए हैदराबादी सुबह सुबह। अब चाय दे रहे, देखो कितनी मस्त दिख रही है, कितनी मस्त दिख रही है चाय। अल्हम्दुलिल्लाह, उनको दिनों के बाद तबसुम के हाथ की चाय मिली। चाय तोस, जजाक अल्लाह तबसुम। ये बच्चा सुबह में हम आपको लेने आया था, लेनी चाहिए। वही बच्चा है, वही बच्चा है, वही बच्चा है। ये बच्चा रोजा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अरहान अस्सलाम वालेकुम। हां मोरे वालेकुम सलाम बोलो। सलाम करो। हम लगा यहाँ पे आ गए, आते सुबह में नाश्ता कर लिए अच्छा फुल। बिरयानी बनाए थे सुबह में, सुबह में नहीं बनाए थे, रात की थी तो बिरयानी खा ली। डोसा भी था तो हम लगा डोसा नहीं खाए, इसलिए बिरयानी खा ली। हम लगा डायरेक्ट हैदराबादी है ना, हम लगा तो सुबह सुबह बिरयानी खा ली। खा लेंगे अब तबसुम के हाथ की चाय पी रहे। सब जनों को तबसुम के हाथ की चाय बहुत पसंद आती, तो चलो अब मैं चाय पी लेती हूँ पहले, उसके बाद में बात करती। गुड मॉर्निंग, हाय रियाद, रोजे कैसे जा रहे? अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खूब ला के दे रहे तुम्हारे खाने के वास्ते अनु भैया। और शाम में इफ्तारी बताएंगे अपन। अमान की पूरी बात किसको किसको समझ में आई? नहीं कमेंट सेक्शन में बोलो। आइए बोलते नहीं, अरे अमान उठ रोजा रहना है, इफ्तारी करना है बोलते ना। इन लोग आगे, अरे अमान तू नको रोजा है, नको रहे रोजा वही बोल रहे ना, आगे रोजा नको रहे थे वही उठा रहे आगे मुंह। अच्छा तो आगे बोल रहे नको रहे रोजा, तू आज नहीं उठाए थे रोजा। अच्छा बोल तो उठ गया, उठ के आगे सही करा, सहरी करके 4 बजे सोया। तो अमान की बात पूरी किसको समझ में आई सब जने कमेंट सेक्शन में बोलो, अमान क्या बोले बोल के। हमारे को तो थोड़ी समझ में आई, थोड़ी समझ में नहीं आई। अंदर को सर मैं चैनल की नहीं रहा हूँ। आओ ना कादू, ये हिंदी चैनल ही थी ये तो। पोंडी पोंडी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान मुबारक। रमजान मुबारक आपको भी और आपके ऑडियंस को भी। थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हैं समीरा जी? सो बेसिकली हमारा अरबाज जो है सो हम लोग के सबके वीडियोस एडिट करता, तो उन्होंने बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा बोल के एक लैपटॉप खरीद लिए। वो लैपटॉप में उन्होंने काम करते,
एडिट करो बेटे बोलो तो आज एडिट करके एक शॉट डालो बोलो तो आप डाल लो बोल के उठ के चले गए तो मैं बैठ के एडिट कर रही। तो बेसिकली उन्होंने बॉस है, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। अच्छा, तो उन्होंने जितना काम बोले उतना उन्होंने कर दे के बाकी का हमारे को असिस्ट करके जाते हैं। हाँ। हम वो खत्म करना। अच्छा। तो उनके लैपटॉप में बैठ के मैं काम कर रही हूँ। उन्होंने पूरा लाइन पे रख देते के तुम्हारे को करो बोल के दे दे के चले जाते। यहाँ से देखो हमारे बॉस वो 9 मिनट को 1 मिनट कौन करेगी। तो असल शीर खुरमा का एक शॉर्ट डालना है उसमें शीर खुरमा बनाए फाइनल बना सो शीर खुरमा नहीं बना के नहीं बता के खत्म हो गया इतना ही बोल रहा है। अब कैसा होता वैसा तो रिकॉर्ड करे आप तो दूसरे लॉन्ग फॉर्मेट में है ना उसको बोलते हैं एडिटर का टैलेंट। ध्यान तो कहीं को खाली पी मगर बच्चा अच्छा काम करता है मेहनती है। हमारे वीडियो इतना अच्छा बाहर आ रहे अरबाज ने की बदौलत थैंक यू अरबाज। चढ़ा रहे बोलो अरबाज को तुम मतलब ऊपर से फेंकी ना थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे होल के पास नहीं तो फिर डिमोटिवेट हो जाता है। बहुत काम है रमजान का महीना है ना तो बहुत काम है तो फिर बच्चे को चढ़ाना ऊपर थोड़ा। अच्छी बात है चलो आप काम कर लो। रमजान मुबारक आपके रोजे कैसा जा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहे। आप माशाल्लाह अच्छे दिख रहे ड्रेसेस में हिजाब वो बनने के। थैंक यू सो मच अल्हम्दुलिल्लाह चलो बाय बाय बाय। क्या कर रहे हो अरबाज आज। मम्मी आए घर पे किराक इफ्तारी बनती बोल के क्या क्या रहता है इफ्तारी में बोल के नहीं खा रहे बेचारे। अरबाज हमारा 9 किलो कम हो गया करते मालूम तुम्हें। कौन अरबाज। हाँ वो तो दिख रहा ऐसे देखे तो नहीं दिख रहे मगर पुराने वीडियोस अपने वीडियोस में देखे तो मालूम पड़ा कि हाँ उतर गए बोल के। हाँ सही में कहीं को तो भी कम हो जा रहे इतना हम लोग कम नहीं हो रहे ना इतना कम कम खा के बोलो कुछ तभी मुंह को हाथ लगा लेके बैठे तो कैसा। अरे वो बोल रहे आपको सुनाई नहीं दे रहा व्हाट अ जोक कितने वादा कर दिया और आओ अरबाज सर पे से हाथ निकालो जी भाई। अरे 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 बाय काम करो दोनों भी। अल्लाह हाफिज़। यस सुषमा आंटी क्या कर रहे हैं। रमजान के बाद बताते रेसिपियाँ। अच्छा इंशाल्लाह। अभी आज स्पेशल क्या है इफ्तार में बोले तो हमारे प्रिंस को यूसुफ को क्या होगा बोले फ्रूट कस्टर्ड होना कहते उसको तो फ्रूट कस्टर्ड बना रही बगारा राइस कोफ्ता करी। इनका अभी क्या बनाना है तो दही बड़े बनाना है माश के पूरा बनाए बाद में से बताएंगे। ओके चूल्हा पूरा कैसे भी गिजा बिजा के हाँ सबके घर में ये टाइम पे यही हाल रहता। हाँ हमारे घर में तो अभी ज्यादा रहता अभी हम लोग यहाँ आ गए बोल तो अभी ज्यादा रहता। हमारी समीर आके क्या कर रहे लगा उनके देख रहे कुछ भी नहीं आप लोग एक इन्फॉर्मेशन शॉकिंग इन्फॉर्मेशन शॉकिंग कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं मम्मी आपा जीजू ग्राइंडर की आवाज स्टार्ट होते कि ये लोग को देखो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 o'clock हो रहे
हमारा प्रिंस को हाफ डे स्कूल हो गया, तो प्रिंस उठ के रेडी होके चले गए। रात में इफ्तार करने के बाद में बाजी आए, बाजी आने के बाद में फ्रेश अप हो गए बाजी। बाजी को खुद नींद आ रही थी तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करे रात में, खा लिए फुल, खा लेके सहनते करे ताकि बहुत देर हो गई, तो रात में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करे। अब सुबह में उठे, प्रिंस रेडी हो गए, प्रिंस स्कूल को चले गए, बाजी शूट को चले गए, मैं तबसुम बैठे, अभी कोई मिले उठे तो यहाँ पे तबसुम के बालकनी में फूलों के झाड़ हैं, कितने अच्छे हैं, दिखाते हैं एक बार। ये मोगरा है, इतना छोटा झाड़ है, इसको कितने फूला लगे थे। मोगरा है, गुलाब है, वाइट गुलाब। मैं यहाँ सुबह में उठ के बालकनी में बैठ जाती हूँ, तबसुम की बालकनी नहीं बोले तो हॉल में बड़ी बालकनी है, वहाँ जाके बैठ के सुकून से सो देखती, खूब अच्छा दिखता है सब बैठना यहाँ पे आगे। तो आए तो मैं ज़्यादा टाइम यहीं से रहती हूँ, कोई भी नहीं रहे, बाजी घर में न रहे तो वहीं बैठे हुए रहते, नहीं तो मैं बाजी भी जाके वहीं बैठते। सो ऐसे ही बैठ के रिलैक्स कर रहे, उसके बाद मैं उठ के अंदर जाती, अभी अम्मी नहीं उठे, अम्मी उठने के बाद मैं उठ के जाके अम्मी को चाय वो बना के दे देती। उसके बाद आज शाम तक जाना है घर को, फिर भाजी आए तो भाजी को रिकॉर्ड करती, तबसुम को भी कल से रिकॉर्ड नहीं करी, तबसुम से भी कुछ भी बात नहीं करी, तो आज बात करेंगे तबसुम से भी, तबसुम को भी पूछेंगे हिंदी में वीडियो बनाए तो कैसा दिख रहा, अच्छा है नहीं बोल के, आज क्या क्या करती दिन में वो भी आप सबको बताएंगे। तो थोड़ी देर से मिलेंगे, थोड़ी देर से सब जन उठ जाते हैं, जब उठने के बाद में फिर सब जनों से अरहान से बात करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम अरहानू, अरहान अस्सलाम वालेकुम। ऑन नहीं हो रहा, ऑन नहीं हो रहा, कई को ऑन नहीं हो रहा, ये उसका रिमोट है ना। हाँ, रिमोट लेके ऑन करना। कितना फास्ट जा रहा, कितना फास्ट जा रहा नहीं, चलो वहां से डालो। अस्सलाम वालेकुम तबसुम। वालेकुम अस्सलाम, ये रिश्मंट खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह। पिंक बारबी डॉल दिख रही, पिंक कलर कई को इतना पसंद तुम्हारा, पिंक नहीं होता, ये देखो अच्छे से आप, पिंक ही है, पिंक मिक्स है ना, पिंक फैमिली है ये, पिंक फैमिली कैसा भी करके वो पिंक ही है ना, लास्ट में होना बहुत जरूरी है पिंक। कैसा गुजर रहा आपका रमजान? अल्हम्दुलिल्लाह, दिने दिन पे दुबले हो जाते जा रहे ना। नहीं हुई, प्लीज दुआ करो दुबली हो जाना, वो भी दुआ करो, वो भी दुआ करना, दुबले हो गए तुम, क्या है मैं दिख रही हूँ अब नहीं, ईद की ड्रेस में दिखना, जो दिखना की राह वो दुबलापन जब दिखना। हो गई शॉपिंग, एक तो ले ली, अभी एक हमारे भाई से आप पूछे समझो, ऐसा ईद की शॉपिंग को जाएंगे बोले, आरा शाम में से तो कई को ठुकराना, लेना ले लेना, उन्हें एक बोले तो अपन दो ले लेना बस, या पीछे और एक खजानी में जाने दे, तो हमारे घर में खजानी माया छे पूरे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कह के पूछना बोली थी, अच्छा हैदराबादी चैनल है जी ये, हैदराबादी में बात करो जरा, खाला बन जाओ, बात कर रहे ना जी, हैदराबादी खाला बन जाओ दीदी। हाँ बहुत फेमस हूँ मैं उसके वास्ते, इंशाल्लाह कभी करेंगे। आपा जी हो, आपा वो करो तो शॉर्ट दो, में है, दोनों मिलके करेंगे, हाँ करेंगे इंशाल्लाह रमजान के बाद, इंशाल्लाह अब रियल खालास हर्ट हो जाएंगे। अच्छा ये कई की तैयारी कर ले रहे क्या आप? मैं देखो इफ्तारी, अब इफ्तारी निकाल रही हूँ मैं, तो उससे पहले जरा डाइनिंग टेबल साफ कर लेती हूँ, भाई का फोन आ रहा है हमारे। So, हमारे बाजी को आज 12 बजे से छोड़ दिया शूटिंग वाले, तो इन आके पकाए देखो क्या क्या बनाए, बताती आप लोगों को। हरीस है, अनार है, आम है, अंगूर है, काले अंगूर है, खजूर है, ये भी है हमारा, प्रिंस रख दिया है यहाँ पे कहीं के आगे। और डिनर में क्या है बोले तो हमारी बाजी देखो, माशाल्लाह बोलो सब जने देख के, मुँह में पानी आ रहा हूँ रोजदारों, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये सालन बाजी बनाए हमारे, बहुत टेस्टी बनाते हैं उन्होंने, ये रेसिपी बताओ बोलेंगे कब तक भी उनको। ये है हमारे प्रिंस एंड अरहान के लिए सालन, फिक्का सालन चिकन का, इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है, फिक्का रहता मगर
पे आटा भीग गया, रोटी डालना है, रोटी डाल दिए तो हो जाता, सुबह में दाल और खाना बना डाली हूँ। सो अब 5 बज रहे, सब रेडी कर लिए हम लोग, खाना भी हो गया सुबह, अल्हम्दुलिल्लाह सब पक भी गया। बाजिया के सालन बना दिए मैं सुबह में, दाल और खाना बना डाली थी। अब क्या करना है, वो तो रोज़े की तैयारी करना है, फ्रेश अप हो जाके रोज़ा खोलते। खुद मैं आप सबको एक बार दस्तर बताती हूँ हम लोग का दस्तर कैसा रहता। उसके बाद मेरे को आज जाना है घर को वापस, इंशाल्लाह मैं रोज़ा खोल लेके खाना खा लेके जाती हूँ घर को। फिर बाजी का बर्थडे है 22nd को, इंशाल्लाह आई तो 22nd के दिन सुबह मैं आ जाती हूँ, आके शाम तक रह के जाती हूँ। पहले बाजी से बात कराती हूँ, हमारे बाजी कल से आए, जब से नहीं मिले मेरे को, फुल बिजी थे उन्हों, तो अब आ गए उन्हों जल्दी से शूटिंग से आते, आप लोगों से बात कराती। क्या तभी तो उनका रमज़ान कैसा चल रहा, शॉपिंग कब करते, सब पूछेंगे उनसे, हैदराबादी में बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। रेशमा प्रेक्षकुल अंदर ఎలా ఉన్నారు? హిందీ లో హిందీ हिंदी में बने हुई वीडियो। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोगों सबको रमजान मुबारक, रमजान का महीना मुबारक। दुआ कर रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आपके रोजे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ठंडे और सुकून से गुजरना। ओके इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका रमजान कैसा जा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक तो ठीक है। तो आपके सब्सक्राइबर्स पूरे कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं। अच्छे अच्छे पकवान बना के बता रहे? नहीं बता रहे, नहीं बता रहे, रमजान में नहीं बता रहे। अच्छा, रमजान में नो रेसिपीज। ओहो, फिर भी तुम करें से रेसिपी से लोग देख सकते, मतलब रमजान जो स्पेशल है, हरीस हलीम रहेंदे, धाइम बड़े रहेंदे, ये सब हमारे चैनलों में है। रेशमा के, अरमान के चैनल पे, शानू सना के चैनल, समीरा शरीफ के चैनल पे शीर कुरमा भी बनाए थे। हमारा हमारे तरीके में कैसा बनाते, कोशिश करे, वन ऑफ द बेस्ट शीर कुरमा बोलते हमारे घर का सब जने, तो कोशिश करिए। अच्छा, तो मैं हिंदी में कर रही हूँ ये वीडियो। माशाल्लाह, बहुत जने पूछ रहे भाई हैदराबादी लैंग्वेज में करो आप, हिंदी में बात करो बोल के बोले, तो एक वीडियो करेंगे बोल के, थोड़ा वीडियो ऑलरेडी मैं एक लास्ट वीडियो में करी थी थोड़ा। अच्छा, अब ये पूरा वीडियो हिंदी में कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, मुबारक। कौन सा भी लैंग्वेज रहेंगे, लोग का तेरे को समझना और प्यार देना और सब्सक्राइबर बनना बढ़ना, और आप जो है और अच्छे अच्छे रेसिपीज करके बताना लोगों से, तेरे को इतना प्यार मिलना कि तू भी इतने प्यार से इतने डिशा बनाना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुआ करिए आप लोग सब हमारे लिए, हम भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और जो भी रोजे है, रोजे बोले तो इफ्तार कर लेके सारा दिन सोना नहीं है। सही बात है, बहुत जने ऐसे करते, रोजा कर, नमाज़ पढ़ो, काम रहे तो काम करो, सो जाओ ना, सोए तो क्या होता, और इतना रोजा लगता, अपन सुस्त हो जाते, और रोजा रहने का मायना, वो रोजे का वो क्या मतलब ही बदल जाता। तो रोजा रहना बोले तो अपन सारा दिन काम कर लेते हुए अपने, मतलब टाइम है तो तिलावत करो, नमाज पढ़ो जितना हो सके उतना, कुरान पढ़ो और सबके लिए दुआ करो, अगर कुछ काम है तो कर लो टाइम पे, जल्दी जल्द से जल्द सब तरावियों का नमाज वो सब पढ़ लेके जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। एग्जाम्पल हमारे बाजी है, तो हमारे बाजी इतना बिजी है कि भी नमाजों की पाबंदी करते, फिर देखो आने के बाद में भी सुकून से बैठे हुए नहीं है, सबके वास्ते खाना बना दिए, पूरा इफ्तारी रेडी कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके हाथ पैर में हमेशा ताकत दियो, अभी 10 जनों को करके खिलाने की ताकत दियो, काम दियो, सेहत दियो। आमीन सुमा आमीन, सेहत और काम ये बहुत जरूरी है। सेहत रहेगा तो काम करेंगे तो 10 जनों को, 20 जनों को, 100 जनों को भी खिला सकते। तो सब जने दुआ करो हमारे बाजी की सेहत अच्छी रहना हमेशा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन बोलिए आप लोग सब। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। चलिए चलो काम करेंगे, रोटियां बेलें, यहाँ पे दाल है अभी, रोटियां सूख जा रहे हैं, यहाँ पे रोटियां बनेंगे। अल्लाह हाफिज। तबस्सुम ये सब करना अच्छा दिखता, ये अच्छा करते तबस्सुम। कैसा है ये शरीफ बच्चे को देखो, बड़ा रोजदार।
छड़ी रोजदार आमीन सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमा మీ అందరికి ఎస్బి కావాలంటే కామెంట్స్ పేరు చెప్పండి హిందీ అస్సలాం అలైకుమ్ ఫ్రెండ్స్ తో అభి హమ్ లోగ కా ఖానా హో గయా ఇఫ్తార్ కర్ లియే డిన్నర్ కర్ లియే డిన్నర్ కర్కే సో ఇధర్ కా ఉధర్ సెంట్ దియే తో క్యా హై బోలే తో आज शाम में मैं जाने वाली थी लेकिन आज नहीं जा रही, मैं कल जा रही हूँ। तो बोल तो कल अनवर का बर्थडे है तो आज तो हूँ, कैसा भी अनवर सेलिब्रेट नहीं करते कुछ भी, लेकिन हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं अनवर के बर्थडे के दिन। क्या सेलिब्रेट करते बोल तो कुछ तो भी स्पेशल तो हम लोग हमेशा बनाते, लेकिन सब जने एक साथ रहेंगे बर्थडे है ना, हमेशा रहते। आज नको जाओ बोल के बोल रहे तब सोमवार जी, आज नको जाओ कल जाना, कल बर्थडे है ना, कल शाम में चले जाओ। मेरे तो ठीक है क्योंकि मैं भी रुक गई, हस्बैंड को शोहर को टिफिन भेज दिया से वो लोग वहाँ पे सहर करने के रोज़ा रह लेते कल, तो कल इंशाल्लाह कल शाम में मैं यहाँ से जाऊँगी। सो ये था मेरा ब्लॉग हिंदी में, आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे फैमिली मेम्बर चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, फिर ऐसी ब्लॉग में मिलेंगे। जब तक अल्लाह हाफिज़।